हेलो दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल के देखिए क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एग्जांपल में आपका टाइप्स ऑफ एंडमिल ड्रिल बिट होल्डिंग डिवाइसेस ड्रिलिंग पैरामीटर्स टेपिंग पैरामीटर्स और रिमिंग पैरामीटर्स मिलिंग टूल्स अगर मुझे कोई भी कटर सिलेक्शन करना है तो फर्स्ट मुझे कौन सा ऑपरेशन के लिए यूज करना है वो देखना पड़ेगा एग्जाम्पल पे मुझे अगर स्लैप मिलिंग करना है तो स्लैप मिलिंग कटर यूज करना है और मुझे अगर स्लॉट मिलिंग करना है तो स्लॉट मिलिंग कटर यूज करना है कुछ प्रोफाइल करना है तो मुझे एंड मिल कटर यूज करना है सेम आपको साइट मिल के लिए साइट मिल कटर यूज करना है या फेस मिल के लिए फेस मिल कटर यूज करना है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रोफाइल के लिए कौन सा कटर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पे आप देख सकते हो जैसे कि मिलिंग ऑपरेशन और मिलिंग कटर्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कटर्स यूज करना है और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एंड मिल कटर्स उसका डिटेल्स में देख लेंगे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल लेंथ ओवरऑल लेंथ से कोई भी एंड मिल का टोटल लेंथ लेंथ आपका ओवरऑल है, होता है उसके बाद लेंथ ऑफ फ्लूट आपका जो कोई भी कटर का टोटल फ्लूट है वो है आपका लेंथ ऑफ फ्लूट्स बट लेंथ ऑफ कटिंग फ्लूट्स वो अलग रहता है लेंथ ऑफ फ्लूट से थोड़ा कम रहता है लेंथ ऑफ फ्लूट्स में क्या रहता है आपका जो कुलंट है कुलंट सफिशिएंट के लिए कुलंट आपका जो आपका एंड मिल का एंड तक तो जाने के लिए लेंथ ऑफ फ्लूट्स प्रोवाइड किया है उसके बाद कोटिंग लेंथ कोटिंग लेंथ जितना भी आपका लेंथ है जिसमें मेटल कॉट होता है वही आपका कोटिंग लेंथ है यहाँ पे आप देख सकते हो एल ओ सी और एल ओ पी एल ओ पी आपका और सॉरी एल ओ एफ और एल ओ सी नेक्स्ट आपका कॉटो डायमीटर कॉटो डायमीटर और सेक डायमीटर आपका जो सेंक डायमीटर ये है आपका एन मिल का मैक्सिमम डायमीटर और यहाँ पे ये कॉटो डायमीटर आपका टेन एन मिल ट्वेल्व एन मिल सिक्सटीन एन मिल एट एन मिल ऐसे कुछ एन मिल्स रहता है एग्जाम्पल पे नेक्स्ट यहाँ पे लैंड आप देख सकते हो लैंड मीन आपका जितना भी डैश एंगल है फ्लैट रहता है नीचे साइड वही आपका लैंड है उसके बाद यहाँ पे रेडियल प्राइमरी रिलीफ और रेडियल सेकेंडरी रिलीफ एंगल ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो हेलिक्स एंगल हेलिक्स एंगल आपका यहाँ पे इस साइड में जो एंगल है ये आपका हेलिक्स एंगल है तो ये तो सम डिटेल्स है एनमिल कटर के बारे में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनमिल कटर एक है आपका फ्लैट मिल कटर बॉनलोज कटर कॉर्नर रेडियस कटर और मीन्यूएचर कटर ये मोस्ट इंपोर्टेंट कटर है जो कॉमन हम लोग यूज कर मिल कटर फ्लैट मिल कटर का यूजेस क्या होता है जहाँ पे आपका सार्क कॉर्नर पूछा है कोई भी अगर मान लो ये साइड में मेरे को कट करना है तो वहाँ पे मेरे को कॉर्नर उसका सार्क चाहिए तो यहाँ पे हम मिल कटर यूज करेंगे नेक्स्ट है आपका बॉनल कटर इस कटर का यूजेस जनरली आपका टेपर मिलिंग के लिए होता है और जहाँ पे कुछ रेडियस विथ प्रोफाइल पूछा होगा वहाँ पे बोनल कटर का यूज रहता है उसके बाद आपका कॉर्नर रेडियस कटर कॉर्नर रेडियस कटर आपका सेम मिल कटर का जैसा ओनली उसका कॉर्नर पे रेडियस रहता है वो भी आपका कोई भी प्रोफाइल के लिए कितना रेडियस पूछता है वही हिसाब से आपको यूज़ करना है मान लो पॉइंट रेडियस वन एम रेडियस Radius, A. A. Radius, उसी के हिसाब से आपको यूज करना है, है माइनेचर कटर कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकता है याद रखना मैनेचर कटर मीन्स बिलो वन एम एम डायमीटर वाला एनमिल कटर नेक्स्ट आप कौन सा टाइप का टूल होल्डिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप्स ऑफ टूल यूज के लिए जैसे कि आपका ड्रिल चक कॉल लेक आरबोर टेपिंग हेड्स ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल होल्डिंग डिवाइसेस है जितना भी टूल होल्डिंग डिवाइसेस है ये सभी का यूजेस आपका कौन सा टूल कहाँ पे यूज कर रहे हो उसी का ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि मान लो आप टेपिंग हेड यूज कर रहे हो तो वहां पे आप एनविल यूज नहीं कर सकते ना वहाँ पे आप टेप ही, ही लगा सकते हो मान लो आप ड्रिल चक यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप एनविल या टेप यूज नहीं कर सकते हो वहाँ पे आपको ड्रिल ही लगाना है सेम आपको क्वालिटी यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप एनमिल ही लगाना तो ये इसलिए बेस्ड ऑन टूल होल्डिंग डिवाइसेस इसका ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन सा टूल कहाँ पे रन कर रहे हो या कौन सा टूल कहाँ पे यूज कर रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉल ऑपरेशन रहता है उसमें से फास्ट में आपका रहता है प्रोसेस सेंट्रल ड्रिल आप कोई भी हॉल ऑपरेशन कर रहे हो मीन्स कोई भी ड्रिलिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक सीडी मार्किंग करना है सीडी मींस एक मार्किंग करना है आपको जहां पे ड्रिल करना है बिफोर ड्रिल आपको सीडी रन करना है नेक्स्ट है आपका ड्रिलिंग रफिंग मान लो आपको कोई भी डायमीटर का ड्रिल चाहिए या टेपिंग रन करना है उससे पहले आपको ड्रिल रन करना है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ड्रिल यूज कर सकते हो नेक्स्ट आपका बोरिंग बोरिंग मीन्स मान लो आप 10 एम एम डायमीटर का ड्रिल रन कर दिया उसके बाद वो 10 एम एम डायमीटर को एलर्ज करना है फिफ्टी एम तक तो करना है या उससे ज़्यादा भी करना है तो वहाँ पे हम हाँ बोरिंग टूल यूज करेंगे या बोरिंग ऑपरेशन करेंगे नेक्स्ट आपका रिमर रिमर यूजेस जनरली आपका एक स्टैंडर्ड हॉल मेंटेन करने के लिए जहाँ पे कुछ एस सेवन दिया होगा कुछ क्लोज टॉलरेंस दिया होगा उसके साथ आपको फिनिशिंग चाहिए तो वहाँ पे रिमर का यूजेस रहता है और रिमर से पहले आपको सी डी ड्रिल उसके बाद रिमर यूज करना है रिमर का कुछ स्टैंडर्ड ड्रिल साइज रहता है वो सभी के बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा ओनली आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है नेक्स्ट है आपका टैपिंग टेपिंग क्या होता है मान लो कोई भी प्रोफाइल पे आपको थ्रेड चाहिए एम का थ्रेड चाहिए तो वहाँ पे आपको पहले ड्रिल करना है एम फाइव फाइव एम mm एम डायमीटर का ड्रिल करना है उसके बाद आप टेपिंग ऑपरेशन कर सकते हो ये सभी आपका हल ऑपरेशन में आता है सी डी और सेंटर ड्रिल ये ऑपरेशन आपका ओनली मार्किंग प्रपजस के लिए यूज नहीं होता है जनरली आप सभी लोग देखा होगा लेद मशीन ये मशीन में मान लो आपको एक राउंड बार का कंप्लीट प्रोफाइल करना है एक ही बार में तो वहाँ पे आपको क्या होता है एक आपको चौक पकड़ता है और दूसरा एंड में आपको टेल स्टॉक यूज करना है तो टेल स्टॉक डायरेक्ट आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा तो टेल स्टॉक यूज नहीं कर सकते हो वहाँ पर आपको सी पहले मारना है जो आपका सिक्सटी डिग्री सी रहता है वो सी करना है उसके बाद आपको टेलस्टोक यूज करना है तो वही पॉइंट उसी तरह पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस के लिए सीडी का यूज होता है और कोई भी जनरली आपका थ्री टाइप का सीडी रहता है एक है आपका टाइप ए फॉर्म में सेंटर हॉल विथ ए सिंगल सिक्सटी डिग्री चंपर और एक है आपका टाइप बी फॉर्म में सेंटर हॉल विथ टू चम्पर वन इज योर सिक्सटी डिग्री अदर वन ट्वेंटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री सी एस के आपका इसलिए यूज होता है वो साइड जो आपका प्रोफाइल है प्रोफाइल में डैमेज नहीं होने के लिए आपका पार्ट का प्रोफाइल में डैमेज नहीं होने के लिए 120 डिग्री का 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 यूजेस यूजेस होता है और एक है और आपका आपका टाइप 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 आर 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 पे आप देख सकते हो तो जनरली स्मॉल डायमीटर हॉल के लिए यूज होता है और स्मॉल डायमीटर कॉम्पोनेट पकड़ने के लिए लेद मशीन में यूज होता है तो आपका टू टाइप का रहता है एक है स्ट्रेट सेंक और एक है आपका टेपर सेंक अभी जब मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है आपका टेपोर सेंक ड्रिल बिट जिसमें आपका सेंक लेंथ बॉडी फ्लूट लेंथ कटिंग डायमीटर और आपका ओवरऑल लेंथ टैंक ड्रिल एक्सिस ये सभी और फ्लूट ये सभी आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ड्रिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल बिट मेटेरियल का यूजेस आपका होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल के लिए और जनरली हम एच एस एस ड्रिल बिट के बारे में थोड़ा देखेंगे उसका आर पी एम फीट कितना रहता है कौन सा मेटेरियल के लिए मान लो आपको एच एस एस ड्रिल बिट यूज करना है एम एस ड्रिल करने के लिए और कास्ट आयरन ड्रिल करने के लिए उसका आरपीएम फीड कितना रहेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा तरह से ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो रेड कलर पे लिखा है भी सी वह है आपका कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट उसका यूनिट है और एफ आर मीन से आपका फीड पर रिवल एम एम पर रिवल इसका यूनिट है और एन मीन से आपका स्पिंडल स्पीड भी टी आपका टेबल स्पीड उसके बाद डी फॉर आपका डायमीटर ऑफ आप द ड्रिल बिट मान लो आपको एम एस ड्रिलिंग करना है उसका डायमीटर आपका कितना ड्रिल बिट का सिक्स टू ट्वेल्व डायमीटर रहेगा तो वहाँ पे आपका भी सी सिक्सटीन रहेगा मान लो आपको सी आई ड्रिलिंग करना है तो उसका भी सी आपका थर्टीन टू एटीन के लिए आपका ट्वेंटी रहेगा तो यहाँ पे भी सी आप कॉन्स्टेंट देख सकते हो ओनली आपका एफ आर चेंजेस हुआ है एफ आर चेंजेस मान लो एम एस के लिए आपका वन टू टू एम एम डायमीटर वी सी आपका सिक्सटीन एफ आर आपका जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव तो ये सब पुट करके आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको एन एन मीन से आपका आर पी एम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे भी सी इंटू वन थाउजेंड बाई पाई इंटू डी तो भी सी वी सी का वैल्यू में मेरे को यहाँ पे पुट करना है तो वी सी का वैल्यू मान लो मेरे को यहाँ पे सिक्सटीन पुट करना है उसके बाद वन थाउजेंड बाई पाई का वैल्यू आपका थ्री पॉइंट वन फोर इन डी डायमीटर मेरा सिक्सटीन मिनसी बी सी का थ्री टू फाइव में फाइव एम एम डाल दूंगा तो यहाँ पे मेरे को आर फाइंड आउट हो जाएगा तो आपने आर कैसे फाइंड आउट करना है देख लिया अभी हमको फीड फाइंड आउट करना है बी एफ उसका फॉर्मूला आपका एफ आर इंटू एन एन आपने फाइंड आउट कर लिया आर तो एफ आर यहाँ पे लिखा है सिंपल आपको देखना पड़ेगा यहाँ मान लो आपको एम एस ब्लॉक ड्रिलिंग करना है उसका आपका सिक्स टू एम तो उसका एफ आर आपका रहेगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू आर पी एम तो फाइंड आउट हो जाएगा आपका भी एफ और एक बार देख लीजिए भी सी मीन्स कटिंग स्पीड एफ आर मीन फीड पर रिवोल्यूशन एन आपका स्पिंडल स्पीड भी एफ आपका टेबल स्पीड और फीड डी आपका डायमीटर ऑफ द टूल तो यहाँ पे एन इक्वल टू वी सी इंटू वन थाउजेंड बाई थ्री पॉइंट वन फोर इंटू डी और उसका यूनिट रहेगा आपका रिवोल्यूशन पर मिनिट और आपको भी एफ और कटिंग स्पीड फाइंड आउट करने के लिए एफ आर इन एन जनरली आपका जो भी सी रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट कट मेटेरियल्स के लिए भी सी अलग अलग रहता है और कौन सा मेटेरियल आपको ये ड्रिलिंग करना है या कौन सा मेटेरियल आपको कटिंग करना है वही हिसाब से भी सी आपका अलग अलग रहता है मान लो आपको सिक्स एम एम टू ट्वेल्ल एम एन डायमी रिमिंग करना है उसका मेटेरियल आपका एच एस एस दिया है तो वहाँ पे भीसी आपका ट्वेल्व रहेगा और एफ आर आपका जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो आपको आर पी एम फाइंड आउट करने के लिए एन इक्वल टू भी सी आपका कितना ट्वेल्व इंटू वन थाउजेंड बाई थ्री पॉइंट डी डी आपका मान लो टम एम mm हो गया तो आरपी में फाइंड आउट हो जाएगा और आपको फीड के लिए भी टी इक्वल टू ए फर इंटू एन तो यहाँ पे वीटी आपका कितना दिया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री इंटू एम आपने जितना फाइंड आउट किया होगा उतना लिखना है बस फाइंड आउट हो जाएगा आपका फीड और एक पॉइंट याद रखना ये फॉर्मूला आपका कांस्टेंट रहेगा ये आपका वेरी नहीं करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल या डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल टू बी ड्रिल ये उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका फॉर्मूला कॉन्स्टेंट रहेगा ओनली आपका वी चेंज होगा वही आपको पुट करना है और वी सी जनरली आपका कॉटर कॉटर्स का ऊपर लिखा रहता है कितना मेटल कौन सा मेटल के लिए कितना वी रखना है तो आपको वी ओनली पुट करना है वी पुट करने से आपका आर पी फाइंड आउट हो जाएगा और एफआर पुट करने से एफआर और आर पी करने से आपका फीड फाइंड आउट हो जाएगा ये दोनों फॉर्मूला से आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मैं आपको कोशिश करूंगा जरूर समझाने के लिए नहीं तो सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट देखेंगे रिमिंग ऑपरेशन आपको एक स्टैंडर्ड डायमीटर विथ ग्रेटर एक्यूरेसी चाहिए तो वहां पे आपको रिमिंग ऑपरेशन चूज करना है और रिमिंग ऑपरेशन से पहले आपको एक ड्रिल साइज उसका रहता है आपको ड्रिल करना पड़ेगा उसके बाद आपको रिमर यूज करना है कोई भी स्टैंडर्ड डायमीटर मान लो एच से हॉल या सिक्स एम एम 6.02 6.05 at 12 mm कोई भी स्टैंडर्ड डायमीटर का रिमर रहता है आपको सिंपली उसका ड्रिल साइज के हिसाब से ड्रिल यूज करना है ड्रिलिंग करना है उसके बाद रिमर यूज करना है और रिमर जनरली आपका टू टाइप एक है हैंड रिमर और एक है आपका मशीन रिमर नेक्स्ट है आपका बेसिक ऑफ आप रिमर में रिमर इज अ मल्टी कटिंग टूल उसका यूजेस आपका ड्रिल हॉल ऑलरेडी ड्रिल हो गया होगा वही हॉल को एनर्जिंग करना है और फिनिशिंग करना है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना जब भी आप रिमिंग ऑपरेशन कर रहे हो बाय यूजिंग हैंड रिमर और मशीन रिमर आपको उससे पहले ड्रिलिंग करना है और वो ड्रिल हॉल का डायमीटर आपका स्मॉलर देन द रिमोट साइज तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क एक आ रहा है वो कितना स्मॉलर देन द रिमोट साइज मान लो आपको एक सिक्स एच सेवन हॉल चाहिए और वो स्टील मेटेरियल है तो आपका ड्रिल साइज कितना होगा तो ड्रिल साइज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है आपका ड्रिल साइज इक्वल टू तो रिमिट साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज तो यहाँ पेन्स आपका फिनिशिंग साइज और ओवर साइज और अंडर साइज ये आपका रिमिट साइज के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे एक चार्ट बॉक्स है चार्ट बॉक्स में आप देख सकते हो तो हमारा फिनिशिंग डायमीटर कितना था सिक्स एम एम मीन्स फाइव टू ट्वेंटी तो उसका अंडर साइज हम पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री लेंगे तो हम पॉइंट टू ही लेंगे उसका अंडर साइज तो ओवर साइज हम जनरली जीरो पॉइंट जीरो फाइव लेंगे तो यहाँ पे हमको ओवर अंडर साइज दोनों मिल गया तो ड्रिल साइज फाइंड आउट करने के लिए सिक्स एच सेवन हॉल का हमारा क्वेश्चन था तो उसका फिनिशिंग साइज कितना है सिक्स एम एम तो अंडर साइज आज पर टेबल के हिसाब से हम पॉइंट टू लिया और ओवर साइज जीरो पॉइंट जीरो फाइव लिया तो ड्रिल साइज इक्वल टू सिक्स माइनस पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव एम एम उसका ड्रिल साइज है और एक बार देख लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मान लो आपको हॉल का ड्रिल साइज फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आपका रिम साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज रिम साइज मीन्स आपका फिनिशिंग साइज आपका कितना सिक्स एम एम है तो अंडर साइज के लिए आपको एक चार्ट बॉक्स रहता है उसका चार्ट बॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा तो यहाँ पे चार्ट बॉक्स में हम अंडर साइज कितना लिया सिक्स एमएम mm डायमीटर के लिए हम पॉइंट टू लिया और ओवर साइज के लिए जनरली आपका जीरो पॉइंट जीरो फाइव ही लेते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला का हिसाब से सिक्स एम ए माइनस अंडर साइज आपका पॉइंट टू प्लस आपका ओवर साइज जीरो पॉइंट जीरो फाइव इक्वल टू आपका फाइव पॉइंट सेवन फाइव आपका हो गया डायमीटर जो आपका ड्रिल डायमीटर देखो ओवर साइज के लिए 0.05 आपका कांस्टेंट रहेगा और अंडर साइज के लिए ये टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा इसलिए ये टेबल को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए मान लो आपको 5 एम एम डायमीटर रिमिड होल करना है तो उसका अंडर साइज आपका पॉइंट वन रहेगा अगर आपको 22 टू एम एम डायमीटर रिमिड होल करना है तो उसका अंडर साइज आपका पॉइंट फोर या पॉइंट थ्री रहेगा तो ये जो चार्ट दिया है मान लो आपको ओवर फिफ्टी एम एम डायमीटर रिमिड होल करना है तो उसका अंडर साइज आपका पॉइंट फाइव से वन एम तक रहेगा रिमोर टाइप्स में आपका एक रहेगा रोज रिमर चौकिंग रिमर टेपर रिमर हैंड रिमर एक्सपेंसिव रिमर सेल रिमर और इंसेट ब्लेड रिमर ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिमर जो डिफरेंट परपज के लिए यूज होता है नेक्स्ट एक पैरामीटर चार्ट देखेंगे 10 एम mm एम डायमीटर रिमर और उसका मेटेरियल है एच तो उसका इफेक्टिव रिमर लेंथ है आपका थ्री इंटू और मैक्सिमम रिमर लेंथ आपका रहेगा सिक्स इंटू डी तो यहाँ पे लो कार्बन स्टील के लिए आपका कोटिंग स्पीड रहेगा 10 और आपका मीडियम 12 और मैक्सिमम आप 14 दे सकते हो मान लो आपको कास्ट आयरन के लिए आपका कोटिंग स्पीड रहेगा 10 और मैक्सिमम आप 15 दे सकते हो और उसका फीड यहाँ पे दे दिया आप देख सकते हो तो ये सभी वैल्यू पुट करके आपको आरपीएम और फीड फाइंड आउट करना है फॉर्मूला वीडियो का स्टार्टिंग में है आप देखा ही होगा नेक्स्ट है आपका टैपिंग एंड थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन ये दोनों ऑपरेशन का यूजेस आपका इंटरनल थ्रेडिंग के लिए होता है अगर आप टैप यूज करके इंटरनल थ्रेड कर रहे हो तो आपका एडवांटेज रहेगा हाई स्पीड टैपिंग और डीप होल टैपिंग लेकिन बहुत सारा डिसएडवांटेज है जैसे कि आपका डिफरेंट थ्रेड के लिए डिफरेंट टैप यूज करना पड़ेगा और आपका ब्लाइंड होल टेपिंग के लिए टैप यूज नहीं कर सकते हो और आपका थ्रेड होल को आप फिट और लूज नहीं कर सकते हो एग्जांपल के लिए आप सभी ने देखा ही होगा जब भी आप नया टेप यूज करते हो तो उस टाइम आपका थ्रेड होल थोड़ा लूज रहता है और जब भी आपका टैप वायर आउट हो जाता है उस टाइम वो फिट रहता है और टाइट हो जाता है ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व आप थ्रेड मिल यूज करके कर सकते हो आपको फिट करना है तो फिट कर सकते हो डी में माइनस करके या आपको टाइट करना है तो आपका डी में प्लस करके टाइट कर सकते हो और आप ब्लाइंड होल को भी टैपिंग कर सकते हो और एक ही थ्रेड मिल से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थ्रेड भी कर सकते हो नेक्स्ट है टैपिंग पैरामीटर्स लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो टैप ग्रेड उसके बाद टैप साइज नेक्स्ट पीच उसके बाद आपका वी कितना रहेगा कौन सा मेटल के लिए एम के लिए कितना रहेगा सी के लिए कितना रहेगा उसके बाद आपका टैप ड्रिल साइज मान लो आपका टैप ग्रेड क्या है बी ट्वेल्व फोर्टी फोर उसका टेप साइज कितना एम फोर मान लो उसका पीच आपका रहेगा कितना पॉइंट सेवन और एमएस के लिए उसका वी सी रहेगा आपका फाइव एम एम मान लो आपको एम टेन का टैप करना है टैप साइज एम टेन उसका पीच आपका कितना दिया है यहाँ पे वन पॉइंट फाइव उसका वी सी आपका ट्वेल्व रहेगा एम एस के लिए सी आई के लिए थर्टी रहेगा उसका ड्रिल साइज यहाँ पे दे दिया देख सकते हो आप एम टेन का कितना रहेगा और टेपिंग आर पी एम फॉर्मूला आपका सेम रहेगा एन इक्वल टू वी सी इंटू वन थाउजेंड बाई थ्री पॉइंट वन फोर इंटू डी बट उसका फीड का फॉर्मूला आपका सेम नहीं रहेगा एफ आर इक्वल टू पीच आपका पीच का जितना वैल्यू है मान लो आपको एम फाइव का टेपिंग करना है उसका आर पी एम आप फाइंड आउट कर लिया ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका पी फीड आपका कितना रहेगा पिच एम फाइव का कितना पॉइंट एट फीड वैल्यू में आपको पॉइंट एट करना है नहीं तो आपको आरपीएम इंटू पीस करने से आपका फीट फाइंड आउट हो जाएगा नेक्स्ट है आपका बोरिंग बोरिंग बार कॉल्ड इंटरनल टर्निंग और जनरली इसका यूजेस आपका इनसाइड डायमीटर एनलार्ज करने के लिए होता है और आफ्टर ड्रिलिंग ड्रिलिंग के बाद बोरिंग बार का यूजेस होता है बोरिंग बार यूज करके हम एक स्टैंडर्ड डायमीटर साइज मेंटेन कर सकते हैं विथ फिनिशिंग के साथ और स्ट्रेटनेस कर सकते हैं मान लो एक स्टेप हॉल के बाद दूसरा स्टेप हॉल स्ट्रेटनेस कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेसिटी ये सब मेंटेन हो सकता है बोरिंग बार यूज करके तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को दो तीन बार देखना तब तो जाके आपको समझ में आ जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में